मॉर्निंग एवरीवन। और आज है सेकेंड दिन, टाइम बस हो रहा है अभी 6 और आज हमें ट्रैकिंग पे जाना है। देखते हैं आज कैसा रहता है अपना सीन। कल की सफ़र के बाद तो इतनी थकान लग गई थी कि हम डायरेक्ट सो गए थे। खाना खाया हमने और डायरेक्ट हम बेड पे लेटते ही नींद आ गई थी हमें। और आज पता नहीं क्या होगा, पर यहाँ से जो हमारी ट्रैकिंग का वो है लोकेशन, वो है अराउंड 16 किलोमीटर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा या 45 मिनट लगेंगे यहाँ से। और अभी तो मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं ब्रश व्रश करता हूँ और फिर नहा धो के स्टार्ट करता हूँ आज का ब्लॉग। सो वेलकम टू द सेकेंड डे। अरे नहाना दोनों हो चुका है और सारा सामान भी हम पैक कर चुके हैं और अब टाइम है यहाँ से चेकआउट करने का। देखते हैं आज कैसा रहता है सफ़र। कोशिश तो यही रहेगी कि भयंकर अच्छा रहे, होप फॉर द बेस्ट। अपना होटल था जाम कर रहा था तेरे। अब निकलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। आज है दूसरा दिन ट्रैकिंग का और आज आने वाला है बहुत मज़ा। कल रात की ड्राइविंग के बाद तो हमारी हालत हो गई थी ख़राब, लेकिन आज ये नहीं होगा, आज आएगा मज़ा। तो चलो भाई चलते हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Finally, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म और अब इंतज़ार है हमें अपने ट्रैक गाइड का। तो अभी तक मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था जो कि थी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी लैपटॉप में, बट अब पूरा फाइल ट्रांसफ़र हो गई। यानी जितना भी डेटा मैंने फ़ोन से कल कैप्चर किया था, यानी 250 वीडियोस, वो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ लैपटॉप में। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आराम से शूट कर सकता हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रैक, तुम साथ बने रहो एंड तक वीडियो के। बात हुई हमारे ट्रैक गाइड से, उसने कहा कि 11 बजे तक तुम लोग वेट कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि ये लोग सबका इंतज़ार करते हैं, एक बार सब आ जाए तब ये निकलते हैं। तो 11 बजे तक उसने बोला तुम लोग कुछ टाइम पास कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन वोन चार्ज पे लगा देता हूँ, पावर बैंक भी चार्ज पे लगा लेता हूँ और कार पे चलता हूँ, थोड़ा वहाँ टाइम पास करते हैं। यार वो ट्रैक गाइड बहुत बेकार चुना हुआ यार हमने, वो ट्रैक गाइड आ भी नहीं रहा यार। मतलब वो इतना लेजी बंदा है, वो कह रहा 11 बजने तो सबको आने दो तब आऊँगा मैं। ये थोड़ी होता है यार, कब तक इंतजार करेंगे हम, टाइम भी लगा रहा है ना बहुत। वही देखते हैं क्या होता है, जो भी होता रहे होगा। तो आ ही गए, तुम लोग देखते रहना और अगर नहीं देखोगे तो इसी डंडे से मारूंगा मैं तुम्हें। Hey guys, हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और ये लोग अपना पूरा ग्रुप जा रहा है, देखते हैं आज कैसा होता है सफर। ट्रैक लीडर, ट्रैक लीडर अंबानी जी, ट्रैक लीडर अंबानी जी, हाय कर दो, हाय बोलो, ये हाय बोलो। हमारा गाइड, ये हमारे गाइड है, इनने बोला था 15 जने आएंगे और लास्ट में 10 मिले, 5 को छोड़ दिया गाइड ने। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. So, एक आधी फोटो खिंचा चुके हैं हम, बेस्ट है क्योंकि मैंने सोचा यार सब ग्रुप लोगों का याद रहती है। और अब फोटो वोटो खिंचाने के बाद हम वापस चल गए। सबकी अभी भी एक ही कंप्लेन है कि गाइड कहाँ है, ये क्वेश्चन तो सभी का अभी तक आ रहा है। वो गाइड भाई शायद से कुछ आविष्कार करेगा। और पीछे से 180 लोग आ रहे भाई, मतलब वो 180 कम नहीं होते भाई, पूरा लग रहा है वैसे फौज आ रही होगी। पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 10 शेर लोग चल रहे हैं भाई जी। बहुत हमें खुशी हो चुकी है क्योंकि जिस पल का हमने इंतजार किया वो इंसान आ चुका है, यानी हमारे ट्रैक गाइड वन एंड ओनली करण भाई। Call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubt, not what I'm about, have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me, a slow burn like a disease, just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. साथ इंटरव्यू के लिए है आज
आसिफ भाई जो कि खीर गंगा घूमने आ रखे हैं। तो आसिफ भाई आपको कैसा लग रहा है अभी तक का ट्रैक? अभी तक तो मस्त। तो मतलब अगर मैं बोल लूँ तो आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे अभी तक व्यू को? फिलहाल हाँ डिस्टेंस का पता नहीं, जो ट्रैवलिंग में जो मजा है चुम्मा 11 आउट ऑफ 10 में से 11। ओके गजब। आशीष भाई का मानना है कि 10 में से 11 नंबर है लोकेशन के लिए, जो कि मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ भाई, क्योंकि अभी तक हम इतना चले नहीं है चले पर नहीं, जो हाँ, व्यू है जो व्यू बहुत है बहुत अच्छा बहुत है। मस्त। अभी तक का बेस्ट व्यू क्या लगा आपको इस ट्रैक का? हाँ, अभी तक का जो भी हम चलते हुए आए, एक तो वो जो हमारा पहाड़ देखा था जो बर्फ की चोटी में था, वो झरना वाला वो जो ब्रिज क्रॉस किए, अब यहाँ का जो व्यू देखोगे आप यहाँ से पूरा यहाँ पर चढ़ के देखिएगा ऊपर की तरफ। मुझे पता कौन सा बढ़िया लगा, मुझे लगा वो झरने वाला जो तुम लोगों ने व्यू देखा ना वो ऑसम था ना। बाकी हमारे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं इस इंटरव्यू में, आ जाइए भाई जी, एक और बंदा आ रहे हैं हमारे साथ इंटरव्यू में, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए थोड़ा। वेल एंड ओनली मिस्टर ब्रदर नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? तो आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, अभी तक कैसा रहा आपका ट्रैक? देखो भाई काफी फटी लेकिन मजा आया, यही तो बात है, मजा आया। एक डायलॉग हमारा है राहुल गांधी वाला, कान फटे तो फटे पर नवाबी ना हटे। मैंने रेनकोट ले रखा था तो ये देखो ये वो रेनकोट है, अब बारिश हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट, तो अब डिसाइड कर रहे हैं सब कि रेनकोट पहन लेते हैं क्योंकि कोई भीगना नहीं चाहता, और देखते हैं आगे कैसा रहता है। 8 किलोमीटर बचा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और 4 किलोमीटर अभी तक हम पार कर चुके हैं। आसिफ भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? आसिफ भाई अभी मंजिल दूर है, मंजिल दूर है, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है पर पहुंचना जरूर है। मॉर्निंग, आज हो चुकी है सुबह और हमारा ट्रैक ख़त्म होने वाला है। कल रात हम यहाँ पहुँच गए थे पर बारिश की वजह से बॉन फायर कुछ हुई नहीं। हाँ अबे चार्जर मेरे बैग ही में था, इतनी बुरी किस्मत है ना, मेरे पे एक सब्स्टिट्यूट चार्जर था पर मैंने चेक नहीं किया और अब जाके वो मुझे मॉर्निंग में मिला, और अब हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कैसा रहता है। पर भाई अगर सच बोलूँ खीर गंगा को अगर 10 में से कितने देना चाहोगे? 9 मैं दूंगा इसे 10 में से 10 क्योंकि भाई बहुत अच्छा था, सबसे बढ़िया था हॉट स्प्रिंग। हाँ, और कुछ हॉट स्प्रिंग के लिए तो एक वो तो एक तरफ वो दूसरी मीटर रहनी चाहिए। और पीछे का व्यू देख लो, ये अपने कैंप्स थे, ये बगल में कैंप्स थे, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, ये ऊपर पहाड़ पूरा। आसिफ को दिखा दो, बाकी अब चलते हैं नीचे, आसिफ को दिखा दो व्यू बढ़ जाएगा। आसिफ भाई अब मैं निकल चुका हूँ कैंप से रास्ते पे, अब हमें नीचे जाना है, मुझे नहीं लगता नीचे जाने में इतना टाइम लगेगा, लास्ट टाइम हमें आने में तो 5 घंटे लगे थे पर जाने में मैक्सिमम लगेगा 2 घंटा, और आज हमें शायद से रुकना भी पड़े क्योंकि क्या है ना इतना ड्राइव तो हम कर नहीं पाएंगे, 12 घंटे का रास्ता है तो ड्राइव करना तो पॉसिबल नहीं है, तो बीच में कोई एक स्टॉप लेंगे और देखते हैं क्या होता है। तुम लोग देखते रहो वीडियो को, बाकी जो होता रहेगा तुम्हें पता चलता रहेगा। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain,
turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not. चाय के लिए रुके हुए हम यहाँ पर 3 किलोमीटर हम नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से 9 किलोमीटर और नीचे जाना है। ये पीछे भाई की दुकान है ये, और यहाँ पर रुके हुए हैं। चाय की चुस्की चल रही है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आने में तो बहुत लगा टाइम, पर जाने में मुझे लगता नहीं इतना जाएगा। ना इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हम, बहुत जल्दी पहुँच गए हम। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें डायरेक्ट नीचे। भाई जी यार, रोड का मैं एक भी शॉट ले नहीं पाया और ना ही मैं डैम का शॉट ले पाया, क्योंकि क्या हुआ कि पूरे रास्ते पर मेरा फ़ोन डेड था, यानी एक शॉट नहीं ले पाया हूँ। और अभी टाइम हो गया है 9:30 से 10 बज चुके हैं। तो हमने यहाँ पर एक रूम लिया है शिमला से अराउंड 20-30 किलोमीटर पहले, क्योंकि कल हमें कम से कम 5 से 7 घंटे ड्राइव करना है, और आज भी हम 7-8 घंटे ड्राइव करते हुए आए हैं। पर लेकिन अगर बोलूँ उस ट्रैक के बारे में तो भाई मज़ा आ गया, और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग पे। That vein, I just wanna be greatness.